स्ट्राइकरलैंड में आज धूम मची है। सुपर स्ट्राइकर्स एक बार फिर से सभी को अपना जलवा दिखा रहे हैं और रॉस्टर कैप्टन होने का फर्ज पूरा कर रहा है। फाइटर और टाइगर दोनों ही आगे बढ़ रहे हैं। फैंटास्टिक पास, क्या ये इस पास को पास करने में पास होंगे? और ये बॉल गई टाइगर के पास। निकल गई हवा और ये बॉल गई सीधी कैप्टन रास्ता के पास। रास्ता का तो जवाब ही नहीं। लगता है कैप्टन के दिमाग में कुछ नया गेम प्लान चल रहा है। शेक लो, और ये शेक आगे बढ़ रहा है, उसने पास दिया और ये गोल। बहुत अच्छे भाई, वाह! ऐसे कैप्टन के होते हुए सुपर स्ट्राइकर्स को हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। क्या मैच था! गुड गेम बॉयज, तुम्हारे गोल ने तो मिसाल कायम कर दी शेख। थैंक्स कोच। रास्ता पास अच्छा था, तुमने वाकई अच्छी लीडरशिप दिखाई। अब अपने छुट्टी का मजा लो। हर छोटे से छोटे काम में ट्रेनिंग का रास्ता ढूंढो। एक असली चैंपियन हर चैलेंज को पार करता है, चाहे फील्ड पर हो या बाहर हो। वैसे भी तुम लोग कुछ चैलेंजिंग तो करने वाले हो नहीं? Have fun. ये लो पकड़ो। अब ये क्या है? तैरने के फ्लोट्स मेरे दोस्त, बस इन्हें फुलाना होता है। तुम और ब्लॉक बीच पर जा रहे हो ना? हाँ, तो फिर जब तुम पानी में जाओगे उस बल्ली के साथ, तो इन्हें पहनना ताकि तुम डूबने से बच जाओ। अरे यार। क्या खुले सांड की तरह लेटा है, चल खेलते हैं। अरे शेख, हम हॉलिडे पर हैं, यहाँ तो थोड़ा रिलैक्स करने दे यार। तू ये लोशन लगा और ऐसे ही गोरा चिट्टा बन के रह। लेकिन अल, अब क्या है? बाहर नहीं आ रहा। तो तू अंदर जाना। ला दे, मैं हेल्प कर देता हूँ। देखिए, जो कुछ भी हुआ है उससे नकामा एफसी के मैनेजर पर सवाल खड़े हो जाते हैं। खैर, स्ट्राइकर्स का अगला मैच तो काफी दिलचस्प होने वाला है। तुमने सही कहा मैक, ये उनके लिए एक असली टेस्ट होगी। उम्मीद है कैप्टन रॉस्टर अपनी टीम को तैयार कर रहा है। मुझे नहीं लगता उन्हें जीतने में कोई भी दिक्कत होगी। ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि रास्ता हमेशा तैयारी करके आता है। इस वक्त भी शायद वो अपनी टीम को प्रैक्टिस ही करवा रहा होगा। वैसे उसे इस बार बहुत चौंकाना होना पड़ेगा, क्योंकि 10 मिनट पहले द कॉस्मोस टीम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। बड़ी खबर है मैक। सही कहा रॉबी रॉय, उसमें बड़ा बदलाव हुआ है। द कॉस्मोस ने अपनी टीम में निंजा को शामिल करने की अनाउंसमेंट की है। तो चलिए चलते हैं बेन के पास पूरी खबर के लिए। बेन, ये सच है, कॉस्मोस टीम में निंजा के आने के बाद अब उनको हराना और भी मुश्किल हो गया है। हमने कुछ देर पहले निंजा से बात की थी और उसका कहना है, सुपर स्ट्राइकर्स अब नहीं बच सकते। वाकई? हाँ बिल्कुल, हम स्ट्राइकर्स की बैंड बजा देंगे और उन्हें जूनियर लीग में वापस भेज देंगे। हाँ, जूनियर लीग में। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी ये बात स्ट्राइकर्स को जीतने का मोटिवेशन देगी? स्ट्राइकर्स क्या सोचते हैं उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, वो हमारे सामने कुछ भी नहीं। वैसे एक्चुअली स्ट्राइकर्स इस बार हारेंगे, बस बहुत हो गया इंटरव्यू। बहुत हो गया। तो ये था कॉस्मोस का निंजा। अब हम लौट चलते हैं स्टूडियो में। क्या आपने मुझे बुलाया है बॉस? मुझे तुमसे टीम में कुछ बदलाव लाने के बारे में बात करनी है। जैसे कि? पहले तो मैं कैप्टेंसी के बारे में सोच रहा हूँ। रास्ता, आखिर बात क्या है? दरवाजा बंद करो। लो, हो गया। ये तो एक पेनल्टी किक जितना ही आसान था। बाल बाल बचा।
मेरी मदद करो। यू नहीं हूं। अरे यार, एक बात बताओ, तुम लोग इतना अच्छा कैसे खेल लेते हो? स्पेंजा और मैं साथ में फुटबॉल खेलते हुए बड़े हुए हैं, सड़क से लेके स्टेडियम तक। कैप्टन, रास्ता के साथ खेलना कैसा लगता है? वो तो एक मशीन है, रास्ता की लीडरशिप में तो हम कभी हार नहीं सकते। मैं कहाँ हूँ? तुम एक पूरा दिन सोए हुए थे। तुम बहुत ही किस्मत वाले इंसान हो, बस इतना समझ लो धरती पर अब भी तुम्हारी जरूरत है। मैं आपका एहसान मंद हूँ। हमारी खुशी तो बस तुम्हें ठीक होता देखने में ही है, ताकि तुम जिंदगी में आने वाली चुनौतियों का डटकर सामना कर सको। मैं महसूस कर सकता हूँ कि तुम एक महान लीडर हो। अब तुम यहाँ आराम करो, ताकि तुम्हारे जख्म जल्द से जल्द भर जाए। आपकी मेहमान नवाजी के लिए शुक्रिया, पर मुझे जल्द ही अगले मैच के लिए वापस स्ट्राइकरलैंड जाना होगा। सब्र करो मेरे बच्चे, मेरे साथ टहलने चलो, ताजी हवा में चलने से तुम्हें बहुत फायदा होगा। और पूरी टीम बिखर जाएगी, इसीलिए कैप्टन होने के नाते मुझे फौरन वापस जाना होगा। अपनी टीम को लीड करो सिर्फ अपने शरीर से नहीं, बल्कि अपने दिमाग से भी। अरे ये क्या क्या हुआ है इस तोते को, ये खा क्यों नहीं रहा? तुम भी इस तोते जितने ही जिद्दी हो, तुम्हें गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। अगर तुम सब्र करना सीखोगे तो तुम तोते के पास नहीं, तोता खुद चलकर तुम्हारे पास आएगा। चाहिए? देख लिया, मन में सब्र रखने से तुम कुछ भी हासिल कर सकते हो। मैं समझ गया, और आपकी सीख और मेहमान नवाजी के लिए आपका शुक्रगुजार हूं। सुपर स्ट्राइकर्स अब नहीं बच सकते। वाकई? हाँ बिल्कुल, हम स्ट्राइकर्स की बैंड बजा देंगे और उन्हें जूनियर लीग में वापस भेज देंगे। हाँ, जूनियर लीग में। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी ये बात स्ट्राइकर्स को जीतने का मोटिवेशन देगी? मुझे अभी लगता है रास्ता के बदले गोली बिग्बो को कैप्टन बनाना गलत होगा। लीग की बाकी टीम्स बड़े बड़े बदलाव कर रही हैं और हम उनसे पीछे नहीं रह सकते। मैं नहीं मानता, हमारी टीम को बदलाव की जरूरत ही नहीं है। वो दिखने में ज्यादा बड़ा और खूंखार है। लीडरशिप दिखावे और दिमाग दोनों से होती है। रास्ता दिखने में तो तगड़ा है ही, साथ ही साथ वो दिमाग इस्तेमाल करके टीम को जिताता भी है। हो सकता है, पर यही सही फैसला है, क्योंकि ये फैसला मेरा है। अगर आज रास्ता कॉस्मोस के सामने हारा तो हम कैप्टेंसी बिग बो को सौंप देंगे। गुड। अगर हम बॉल को हवा में रखते हैं तो फायदा हमें ही होगा, वो कीचड़ में फंसेगी ही नहीं। हाँ, पर क्यों निंजा? क्योंकि वो कीचड़ में फंसेगी ही नहीं। इससे शायद आराम मिल जाए। अ
अच्छा हुआ तुम आ गए कैप्टन। आज तो सुपर स्ट्राइकर्स उन कॉस्मोस की छुट्टी ही कर देगा। आखिर मैच का दिन आ गया, स्टेडियम खचाखच भरा हुआ है मैक। हाँ आज तो कुछ भी हो सकता है, बारिश की वजह से खेल और दिलचस्प होगा। दो दिनों से लगातार बारिश हो रही है, इससे शायद मार्शल आर्ट स्टाइल में खेलने वाले कॉस्मोस को फायदा हो सकता है। बिल्कुल, पर सुपर स्ट्राइकर्स के सामने हो सकता है वो निंजा बन जाए गंजा। क्या स्ट्राइकर्स में कोई इंजर्ड है कोच? कोई भी इंजर्ड नहीं है, सब पूरी ताकत से खेलेंगे। ताकत तोड़ी भी जा सकती है। बोलो आ रहा हूं निंजा। ओह कैप्टन माय मैन, तुम गेम के बाद जीत का जश्न मनाने मेरे क्लब में आ रहे हो ना? शांत रहो जो, पहले गेम खेलते हैं। यार तुम्हें आना ही होगा, एक जीत और पार्टी वार्टी, इससे बेहतर क्या हो सकता है? बेहतर है ध्यान लगाना, पहले जीत जाओ उसके बाद पार्टी वार्टी की बात करो। ध्यान लगाना मेरे बाएं हाथ का खेल है, हम ज्यादा तेज हैं, हमारे मूव्स बेहतर हैं और दिखने में हम ज्यादा अच्छे हैं। मैं जीत के लिए तैयार हूँ, आज सब मेरा जलवा देखेंगे। रास्ता अब तुम ठीक तो हो ना? हाँ बिल्कुल, अब चलो फील्ड पर जाकर जीत को अपना बना ले। जो हुक्म मेरे आका। मुझे लगा तुम फील्ड पर पहुंच गए होगे। मैं असल में ये भूल गया था। आज तुम्हें खुद को साबित करना ही होगा। हाँ निंजा ये देखो। किसी का तो घुटना बुरी तरह इंजर्ड है। और ये देखो निंजा, उनकी सॉक्स कितनी सॉफ्ट है ना। गुस्सा क्यों हो गए? रास्ता तुम्हें जीतना ही होगा। निंजा को लानिया दिला दे। फाइटर उम्मीद कर रहा था कि तुम सब पहाड़ी से गिर जाओ ताकि वो सारे इंटरव्यूज दे सके। मजाक करना बंद कर, तेरे गंदे जोक से मुझे हंसी नहीं आती। तू बस जाकर कहीं डांस कर जो। बस बहुत हुआ, निंजा आसानी से हार नहीं मानेगा, और इतना जान लो दोस्तों वो जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। हम सभी कुछ कम नहीं है। देख ये इलाका हमारा है और हमें यहाँ कोई नहीं हरा सकता, क्या बोलता है ब्लॉक? पूरी जान लगा दो पर हर वक्त चौकन्ने रहना। तुम बस शुरू करो, खत्म हम करेंगे। चलो दिखा दें सुपर स्ट्राइकर्स। 1 2 3 सुपर स्ट्राइकर्स। वो इंजर्ड घुटना ढूंढो और उन सबको कमजोर कर दो। जैसे ही तुम्हें खुली जगह मिले तुम अपनी स्पीड बढ़ा देना और मेरी तरफ देखना, आगे मैं संभाल लूंगा। अब देखते हैं उनका क्या हाल होगा जब बॉल जमीन को छुएगी ही नहीं, उन्हें पता भी नहीं चलेगा वो कब हारे। और ये मैच शुरू। ये फुटबॉल फील्ड कम और स्विमिंग पूल ज्यादा नजर आ रहा है, और कॉस्मोस टीम तो आसानी से पूरे मैदान में उछल कूद कर रही है। लगता है जैसे वो पानी पर चल रहे हो, जबकि दूसरी तरफ स्ट्राइकर्स पूरी तरह कंफ्यूज लग रहे हैं। फिसल गया। फाइटर हार मानने के लिए तैयार नहीं है, पर कॉस्मोस के प्लेयर्स बॉल को अपने पास ही रखने में कामयाब होते जा रहे हैं। क्या बात है, बेहतरीन प्ले। उम्मीद है कि स्ट्राइकर्स आज ज्यादा खाकर नहीं आए हैं, क्योंकि वो लगातार गिर गिर कर कीचड़ खाते चले जा रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कॉस्मोस प्लेयर्स स्ट्राइकर्स को बॉल टच भी नहीं करने दे रहे। ये तो बेहद शर्मनाक होता जा रहा है मैक। मैक वक्त निकलता जा रहा है और सुपर स्ट्राइकर्स अब तक कुछ भी खास नहीं कर पाए हैं। सुपर स्ट्राइकर्स के लिए एक और खतरा। अब बहुत हो गया। और ये निंजा बॉल को आगे लेकर बढ़ रहा है, और ये शानदार किक, और ये शेक का हेडर। शेक ने बॉल को उछाला और बिग बो ने संभाला।
अब इन्हें आगे निकलने का मौका मिला है। कैप्टन रास्ता बीच से निकलकर बॉल को वो थोड़ा सा डगमगा रहा है मैक। अब आएगा मजा। मुझे हिम्मत रखनी होगी, टीम को मेरी जरूरत है। निंजा ने बढ़िया डिफेंस किया। लगता है रास्ता अपना रास्ता भूल गया है। कभी नहीं कॉस्मोस, कभी नहीं। क्या बात है स्ट्राइकर्स के कैप्टन का शानदार फुटवर्क। आखिरकार टीम में फिर से जोश बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। रास्ता आगे बढ़ रहे हैं और उन्होंने पास किया शेफ को। अब तुम लोग कैप्टन। जीत हमारी ही होगी। कॉस्मोस की ये बेहद घटिया और खतरनाक चाल। स्ट्राइकर्स के कैप्टन शायद आगे नहीं खेल पाए और निंजा को इस चाल के लिए येलो कार्ड दिखाया गया है। नहीं, ये नहीं हो सकता। कैप्टन अब भी फील्ड पर ही है और वो उठ नहीं पा रहा है। अगर तुम सब्र करना सीखोगे तो तुम तोते के पास नहीं, तोता खुद चलकर तुम्हारे पास आएगा। अरे हाँ, बिग बो, मैं जा रहा हूँ। ज्यादा वक्त नहीं बचा है, इतना खेल लो रास्ता, तुम ये कर सकते हो। नहीं, आज मेरे लिए खेलना नामुमकिन है बिग बो। तुम्हारी लीडरशिप की जरूरत है और तुम्हें वो मिलेगी। अब मेरा प्लान सुनो, इस मैच को जीतने के लिए सब्र रखने की जरूरत है। मेरे बदले किसी और को लेकर मत आओ। हमारा एक खिलाड़ी कम देखकर वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। उनका ध्यान अपनी ओर खींचो और वो जरूर कोई न कोई गलती कर बैठेंगे। पर रास्ता, जैसा कह रहा हूँ बस वैसा करो। लगता है डांसिंग रास्ता का डांस खत्म हो गया है। उसके लिए रिप्लेसमेंट नहीं भेजी जा रही, कहीं ये कोई चाल तो नहीं। हम तुम्हें जीत कर दिखाएंगे कैप्टन। कैप्टनसी अब बिग बो के पास आ गई है। उनका एक प्लेयर तो काम से गया, अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे। पर आखिर उसका प्लान क्या है? क्या हम रास्ता के बिना ये कर सकते हैं? टाइगर पास के इंतजार में, हमें करना ही होगा। बॉल पानी पर से फिसल कर निकल गई निंजा के पास। स्कॉर्पियन, इसी वक्त आगे बढ़ो। जरा बच के सुपर स्ट्राइकर्स, आफत आ रही है। गोलकीपर गिर गया पर गोल नहीं होने दिया। ओहो, ये तो जैकी चैन का समसॉल्ट है। इसका नाम द ब्लॉक ऐसे ही नहीं पड़ा। मुझे पास करो। और अब शेख ऑन साइड से आकर शॉट लेने जा रहे हैं। वो आगे बढ़ रहा है बड़ी तेजी से और ये शायद शॉट लेंगे। नहीं, उन्होंने बॉल फाइटर को पास कर दिया और ये गोल। नहीं नहीं, रुकिए, बॉल कीचड़ में फंस गई है और गेम अब भी जारी है। क्या शेख अपने जख्मी कैप्टन का मान रख पाएगा? मैच के लिए स्ट्राइकर्स के पास रास्ता लौट आएगा। तूने तो कमाल कर दिया दोस्त। तूने निंजा का चेहरा देखा था? अरे यार, मुझे बताओ तो सही, वो चाल तुम्हारे दिमाग में आई कैसे? थोड़ा रिस्की था, पर उन लोग को पता ही नहीं चला कि उन लोग हार कब गए। ये सारा का सारा कमाल तो रास्ता का था। बहुत अच्छे, अब जल्दी से ठीक हो जाओ कैप्टन। तुम लकी थे स्ट्राइकर्स, पर बदकिस्मती से लक हमेशा नहीं रहता। अगली बार देखेंगे कि कौन जीतता है। अगली बार। Ah!
सही कहा, आज का मैच बड़ा मजेदार हो रहा है और होम टीम का गोल खतरे में है। पर सुपर स्ट्राइकर्स के कीपर बिग बो के आगे किसी की नहीं चलती और उसने बॉल पास की सीधे ब्लॉक के पास, और ब्लॉक ने उसे पास किया कैप्टन रास्ता के पास, और उसने बॉल दी ट्विस्टिंग टाइगर को। बाईं तरफ से टाइगर ने कूल जो को पास की। अब देखें ये क्या करता है। कमाल है, जरा इसकी चाल देखो, लगता है जैसे डांस कर रहा है। और ये कौन? ये लोग लकी है कि इनके पास फाइटर है और उसका बड़ा सा सिर। कूल जो की क्रॉसिंग टेक्निक के होते हुए स्ट्राइकर्स को हराना किसी के बस की बात नहीं है। ओ, बॉल फिर से कूल जो के पास। मैं हूँ बड़ा ही स्मूथ, अब सब देखना मेरा ग्रूव, मेरे जैसे ना किसी के मूव, कर दूंगा ये सबको प्रूव। ये गोल मेरा है। क्या किक है। मिस्टर जो ने तो वाकई कमाल कर दिया। आज फाइटर और मैं स्कोर कर पाए क्रॉस करने में माहिर जो की वजह से। अब पेश है क्रॉस का बेताज बादशाह। जो, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? हाँ जरूर। मिस्टर जो, तुम्हारी इस कामयाबी का राज क्या है? राज मेरे ग्रूव में छुपा है। अब ये बताओ, ये ग्रूव क्या है? ये मेरी तैयारी करने का तरीका है और वो एक सीक्रेट है। कम ऑन जो, तुम्हारे फैंस जानना चाहते हैं। कम ऑन कूल जो, हमें अपना सीक्रेट बताओ ना प्लीज। मैं बस इतना कहूंगा कि मैं खास रिकॉर्ड सुनता हूँ जो मुझ में रिदम भर देता है। हम उस रिकॉर्ड्स का नाम जान सकते हैं कूल जो? सॉरी दोस्त, यही तो कूल जो का सीक्रेट है। पर मैं काम कर सकता हूँ बेन, वो ये है कि तुम सबको मेरे क्लब कूल जोज में बुला सकता हूँ। चलो आ जाओ, वहाँ होगा धमाल जिसे देखकर हो जाओगे बेहाल। बस तैयार रहना दोस्त, मैं हूँ इस पार्टी का होस्ट, जीने का मजा लेना है तो जरूर। तो हम बात कर रहे थे सुपर लीग के सबसे कूल खिलाड़ी कूल जो से। अगर सुपर स्ट्राइकर्स ने ऐसे ही खेलना जारी रखा तो वो FC टेक्निकाली की धज्जियां उड़ा देंगे। अब आपको स्टूडियो ले चलते हैं। कूल जो अब ज्यादा देर तक कूल नहीं रहेगा। एक बार मुझे उसका सीक्रेट गाना मिल जाए तो हम उन सुपर स्ट्राइकर्स को पीस के रख देंगे। वो क्या है? सॉरी, मैं तुझे नहीं दिखा सकता। क्या तू वहाँ सच कह रहा था? रिकॉर्ड? ये तो डिजिटल का जमाना है दोस्त। देख, इसमें 500 से ज्यादा गाने स्टोर होते हैं। हाँ, पर मुझे तो एक की ही जरूरत है, इसीलिए थैंक्स। मैं रिकॉर्ड्स के साथ ही खुश हूँ शेख। टेस्टिंग, 1, 2, 3, अब बजेगी उसकी बीन। माफ करना पेस्ट कंट्रोल वाले। यकीन नहीं हो रहा, मैं तेरी वजह से सुपर स्ट्राइकर्स के साथ चिल कर रहा हूँ। हाँ, वाकई कमाल है ना। तो काफी अच्छा डांस कर लेता शे। ओए, जरा कूल जो को देख। हाय जो, तू ये मूव कैसे करता यार? आ जा, दिखाता हूँ। और इस तरह इस ग्रुप से बनता है मेरा मूव। और हाँ, किसी से कहना मत कि मैंने तुझे अंदर आने दिया था। वाह सीजे, ये जगह तो कमाल है। मैं तो बचपन से ही ये सारी चीजें जमा करते आया हूँ। क्या ये एक लावा लैंप है? हाँ, और अब जरा इसे देख। रिकॉर्ड्स? तू अब भी रिकॉर्ड सुनता है? अरे वक्त के साथ बदलना सीख, मेरे पास तो अभी डीजे। ओए, मुझे कोई डीजी वीजी नहीं चाहिए, मुझे जो चाहिए वो मेरे पास है। क्या ये वही रिकॉर्ड है, तेरा सीक्रेट ग्रूव? हाँ। तेरे पास यही एक कॉपी है? बिल्कुल नहीं यार, यहाँ मेरे पास 7 कॉपीज हैं और एक मेरे कमरे में प्लेयर में लगी है। मैं हर मैच में जाने से पहले इसे जरूर सुनता हूँ। क्या मुझे दिखाएगा? हाँ, नहीं दिखा सकता दोस्त। कम ऑन प्लीज। वेल ओके, पर सिर्फ इसीलिए क्योंकि मुझे पता है तू ग्रुप को रिस्पेक्ट करता है। हो गया, अब शुरू होगा असली मजा। सुनने पर इसमें कोई फर्क महसूस नहीं होगा, पर इसका असर सीधे दिमाग पर होगा। पर क्या वो फर्क पहचान नहीं लेगा?
हाँ हाँ, लेकिन इन्होंने कहा ना कि वो फर्क महसूस नहीं करेगा। यार तुम लोग कभी तो काम की बातें किया करो। खामोश, देखो और सीखो। अब कूल जो की फील्ड पर एक भी नहीं चलेगी। आज मैच है, चलो सबसे पहले अपना ग्रूव शुरू करता हूं। मैं हूं बड़ा ही स्मूथ, देखना मेरा ग्रूव, मेरे जैसे ना किसी के मूव, कर दूंगा सबको प्रूव। स्ट्राइकर लैंड में मैच जारी है। सुपर स्ट्राइकर्स टेक्निकली के खिलाफ खेल रहे हैं। कैप्टन रास्ता ने दाईं तरफ से अटैक किया और क्रॉस करके जो के पास। मैं हूँ बड़ा ही स्मूथ। ओहो, जो से ऐसे खेल की उम्मीद कोई नहीं कर सकता। बिल्कुल सही कहा, जो आज कुछ बदला बदला सा लग रहा है। इसने हाथ में आया हुआ मौका गवा दिया। बात बन गई। कूल जो अब कूल नहीं रहा। और ये बॉल गई फिर से जो के पास। वो आगे बढ़ता जा रहा है, देखते हैं वो क्या कर पाता है। शैतान बचा। कुछ ठीक नहीं लग रहा। जल्दी कर, उसे क्रॉस कर। प्रूव, प्रूव, क्या? और ये शानदार किक, पर बॉल सीधे गोलकीपर के हाथों में। कूल जो को क्या हो गया है? पता नहीं। और इसके साथ ही आज का ये मैच टाई हो गया है। अब विनर का फैसला तो अगले हफ्ते होने वाले रीमैच में ही हो पाएगा। उम्मीद है तब तक सुपर स्ट्राइकर्स के जो के पास पहले वाली बात वापस आ जाएगी। मैट को तैयार करो, हमें रीमैच से पहले बहुत काम करना होगा। मेरा प्लान बिल्कुल सही जा रहा है, रीमैच में तो हम ही जीतेंगे। बात क्या है कोच? इससे पहले तो हमने कभी संडे को प्रैक्टिस नहीं की। मेरे पास तुम सबके लिए एक सरप्राइज है। उम्मीद करता हूँ कि वो नाश्ता हो, मुझे बहुत भूख लगी है। बस तुम देखते जाओ। टेक्निकली के सामने जीत जाना चाहिए था, हमने कई मौके यूं ही गवा दिए, इसीलिए आज हम यहां आए हैं। ये एक नई मशीन है जिसका नाम है द मैच मैट। ये तुम्हारे मूवमेंट्स के आधार पर तुम्हारा स्पीड टू स्किल रेशियो कैलकुलेट करेगी। ये मैट एक बड़ी कन्वेयर बेल्ट है जो तुम्हारी पोजीशन के हिसाब से एडजस्ट होगी। अगर तुम रुक गए तो मैट रुक जाएगी। तुम्हें बस सारा वक्त बॉल को अपने कंट्रोल में रखना होगा। अपनी बारी खत्म होते ही तुम्हें एक शॉट लेकर उस दीवार पर बने लाल टारगेट्स में से एक पर मारना होगा। तुम्हारा स्कोर ही बताएगा कि तुम अगले हफ्ते के रिमैच के लिए कितने तैयार हो। समझ गए ना बॉयज? अच्छा हुआ जो मैं यहाँ आने से पहले अपना ग्रूव सुनकर आया। ये तो मेरे दाएं हाथ का खेल है, ये बिल्कुल मेरे डांस डांस वीडियो गेम जैसा ही मैच है। दाएं हाथ का खेल? हाँ, तो फिर टाइगर सबसे पहले तुम ही क्यों नहीं जाते? जैसा आप कहें कोच। Yeah.
तुम रीमैच के लिए बिल्कुल तैयार हो। थैंक्स कोच। कुलजो, तुम्हारी बारी। हूँ स्मूथ, मेरा ग्रूव, मेरी मूव करूंगा प्रूव। हूँ स्मूथ, मेरा ग्रूव, मेरे मूव करूंगा प्रूव। हूँ स्मूथ, मेरा ग्रूव, मेरे मूव करूंगा प्रूव। स्मूथ, ग्रूव, प्रूव, नहीं। I don't believe it. ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम ठीक तो हो? तुम्हें वहाँ हो क्या गया था? मुझे नहीं पता, कुछ तो गड़बड़ है। शायद तुम्हें अगले मैच में नहीं खेलना चाहिए। नहीं नहीं, मैं खेल लूंगा कोच। सब यहाँ ध्यान दो। शेख, तुम्हारी बारी। कहीं मेरा ग्रूव चला तो नहीं गया? क्या अब मैं स्ट्राइकर्स में खेलने के लायक नहीं हूँ? हमें यकीन ही नहीं हुआ, जो एकदम बदला हुआ था। डोंट वरी, मैं उसकी वजह ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा। थैंक्स, लेकिन ज्यादा वक्त नहीं है, मुझे तैयार होने जाना है। तुम गेम में ध्यान दो, मैं सब देख लूंगा। वो क्लब में तो ठीक था। एक आइडिया है, अब काम करेगा स्पेंसर प्राइवेट आई। शेक्स अपना सेलफोन यहाँ भूल गया है। क्लब बंद है। पता है, कुलजो ने कहा था कि मैं आ सकता हूँ। उसने कहा था स्टीवी से कहना तुम्हें अंदर जाकर देखने दे। क्या तुम स्टीवी हो? हाँ। तो फिर मुझे अंदर जाकर देखने दो ना। स्ट्राइक आइलैंड में मैच शुरू होने वाला है। आज दूर दूर से सुपर लीग फैंस यहाँ मैच देखने आए हैं। जीत का सहरा किसके सिर बंधेगा, सुपर स्ट्राइकर्स के या FC टेक्निकाली के? उम्मीद है वो जो भी कर रहा है उससे बात बन जाए। वो मुझे बॉल नहीं देगा तो मैं स्कोर नहीं करूंगा, बात सिंपल है। ओ, स्पेंसर कहाँ रह गया? प्राइवेट? वैसे मैं भी तो प्राइवेट आई हूँ। यूनाइटेड को हराने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं सुपर स्ट्राइकर्स की, जिसमें शामिल है सुपर लीग का सबसे कूल खिलाड़ी, कभी ना हारने वाला कुलजो। क्या वो आज रीमैच में सुपर स्ट्राइकर्स को जीत दिलवा पाएगा? हमें इसका जवाब कुछ ही देर में मिल जाएगा। अजीब बात है। मिल गया। Come on, हूँ स्मूथ, मेरा ग्रूव, मेरे मूव करूंगा प्रूव। हूँ स्मूथ, करूंगा प्रूव। स्पेंसर, तुझे कुछ मिला या नहीं? मिल गया, उसका ग्रूव कहीं खोया नहीं है। That's great, हम उसकी मदद कैसे करें? और मुझे ये भी पता चला ये किसने किया है, वो तो। हेलो स्पेंसर। हेलो, बैलेंस खत्म, पैसा हजम, मुझे अभी स्ट्राइकर लैंड जाना होगा। और आज होने वाला है सुपर स्ट्राइकर्स और FC टेक्निकाली के बीच रीमैच। स्ट्राइकर सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं कि आज कूल जो उन्हें निराश नहीं करेगा। जो सुनो, तुम्हें अपने ग्रुप की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे मैं कहां फिक्र कर रहा हूं, मैं बिल्कुल ठीक हूं। अब जा और अपना काम कर और ध्यान से खेल। उसकी बात का बुरा मत मान दोस्त, उसने दिल से नहीं कहा, मैं सच कह रहा हूँ। चल शेख, अब तैयार हो जा, आज का मैच हमें जीतना ही है। जो तुम कहो कैप्टन। सुन जो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ रास्ता। शेख बस तेरी मदद करना चाह रहा था, तो उसके लिए एक मिसाल है। पता है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पहला कदम होता है ये मान लेना कि तुझे कोई प्रॉब्लम है। कैप्टन, मेरा ग्रुप वापस नहीं आ रहा और कुछ भी काम नहीं कर रहा। वो आ जाएगा दोस्त, मुझे पूरा यकीन है, तू बस जी जान से खेलना। मैं बस यही कोशिश करूंगा कि हो सके उतने गोल्स शेख को करने दूं। अब ये हुई ना बात।
और ये मैच शुरू। बहुत ही अच्छा पास। अब जीत हमसे ज्यादा दूर नहीं। अरे चलो चलो, मुझे मैच खत्म होने से पहले वहां पहुंचना है। वो बस ड्रिबल करने के अलावा और कुछ नहीं कर पा रहा। कैप्टन रास्ता मिडफील्ड से होते हुए आगे बढ़ रहा है और बॉल गई जो के पास। और ये ओ, ओ, वो फिर से कोशिश कर रहा है, देखते हैं। आज वो सिर्फ कोशिश ही कर रहा है और बॉल टेक्निकली के पास। जो मुझे पास कर। कोई फायदा नहीं, बॉल जाकर सीधे कैप्टन के पास पहुंच गई, पर अब बहुत देर हो चुकी है। और यहां खत्म होता है मैच का फर्स्ट हाफ। क्या कोच सेकंड हाफ में जो को खेलने का मौका देंगे? शायद उस गाने का असर खत्म हो गया है। पिछले मैच से पहले तो मैंने उसे घर पर सुना था और कंपाउंड में प्रैक्टिस से पहले भी और आज भी सुना, पर कोई फायदा नहीं हुआ। अब तो बस एक ही काम हो सकता है, और अगर उससे भी बात नहीं बनी तो मैं समझ लूंगा कि मेरे रिटायर होने का वक्त आ गया है। मैं इसे सिर्फ इमरजेंसी के लिए यहाँ रखता हूँ। लगता है बात बन रही है। Yeah, that's it. Very good. मैं तुम्हें सेकंड हाफ में खेलने नहीं दे सकता। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ कोच, मेरा ग्रुप लौट आया है। मैं कोई चांस नहीं ले सकता, हमें ये मैच हर हाल में जीतना है। कोच ये सच कह रहा है, इसका ग्रुप लौट आया। ये कर सकता है कोच। कोच अगर पहले 5 मिनट में मैं कुछ नहीं कर पाया तो मैं खुद बाहर आकर टीम के लिए चीयर करूंगा। उम्मीद करता हूँ तुम सच कह रहे हो। सेकेंड हाफ शुरू होने वाला है, पर सवाल ये है कि क्या कूल जो अपना जलवा दिखाएगा या नहीं। बॉल कैप्टन रास्ता के पास। क्या बात है, अब देखते हैं कूल जो क्या करता है। मैं हूँ बड़ा ही स्मूथ। वो शुरुआत तो अच्छी है। अब सब देखना मेरा कूल, मेरे जैसे ना किसी के मूव्स, कर दूंगा ये सबको प्रूव। आखिर इसने अपना जलवा दिखा ही दिया। नहीं 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 नहीं, आप ऐसा नहीं होना था। लगता है क्रॉसिंग का बेताज बादशाह लौट आया है। हाँ बिल्कुल लौट आया है। टिकट? टिकट नहीं है मेरे पास। टिकट नहीं तो एंट्री नहीं। देखो मेरा अंदर जाना बहुत ही जरूरी है, और शेख मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है। वो चाहे जो भी हो, टिकट नहीं तो एंट्री नहीं। अब मैं क्या करूं? स्ट्राइकर से पंगा लेना मतलब खुद की बैंड बजाना है। उनके सामने किसी का भी टिकना नामुमकिन है। और यह सुपर स्ट्राइकर्स का एक और गोल। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बेहतरीन हेडिंग। आज तो सेकंड हाफ में स्ट्राइकर्स ने सबके होश ही उड़ा दिए। अच्छा हुआ कूल जो पहले जैसा हो गया, और साथ ही इस सीजन के शेख के गोल्स में 3 गोल और जुड़ गए। अगली बार फिर मिलेंगे और सुपर स्ट्राइकर्स एक्शन के साथ। दोस्तों रिकॉर्ड्स के साथ छेड़खानी हुई थी, इसलिए तेरा ग्रुप चला गया था। हम जानते हैं स्पेंसर, जो को ये पता चल गया था। बस वो मेरे हाथ लग जाए जिसने ये सब किया था। ये वही है जिसने वो रिकॉर्ड्स बदले थे। मुझे तेरी ऑफिस की दीवार पर ये मिला, उसने पार्टी की रात इसे वहां रखा हुआ था। अच्छा तो ये बात है। Hey Shake, तुझ पर चिल्लाने के लिए सॉरी, मुझे पता है तू मेरी मदद कर रहा था। मुझे 3 गोल दिलाकर तू पहले ही माफी मांग चुका है, पर तुझे इस बात का एहसास हो रहा है ना कि अगर तेरे पास डिजीपॉड होता तो ये सब होता ही नहीं। रिकॉर्ड सुनकर ही मेरा ग्रुप वापस लौटा था, तो इसलिए भूल जा कि मैं उसे कभी बदलने की सोचूंगा भी। सवाल ही नहीं। yeah!
मैं डॉन एल्ड्रू का सामना करने के लिए बेकरार हूँ। सुना है कि बहुत ही कमाल का प्लेयर है। मुझे तो लगता है क्लब पार्लमेंटियरी को अब भी अपने अगले एडविन का इंतजार है। एडविन? ये एडविन कौन है? कई साल पहले वो पूरी दुनिया के बेहतरीन प्लेयर्स में से एक हुआ करता था, और फिर एक दिन वो अचानक गायब हो गया। गायब हो गया से तुम्हारा क्या मतलब है? मैं उस वक्त सिर्फ एक बच्चा था। सुपर लीग का फाइनल चल रहा था, क्लब पार्लमेंटरी का एक भी गोल नहीं हुआ था, पर तभी एडविन ने लगातार 3 गोल्स बनाए और अपनी टीम को टाई वाली पोजीशन में ला दिया। इसलिए उनको पेनल्टी किक्स शुरू करने पड़े। अजूल टीम ने 5 गोल्स बहुत ही आसानी से कर दिए थे। अब पार्लमेंटरी की सारी उम्मीदें एडविन के किए जाने वाले गोल पर ही टिकी थी। इस वक्त एडविन पर काफी प्रेशर है, पर उसने गोल मिस कर दिया। कहते हैं वो प्रेशर झेल नहीं पाया था। उसने मैच के वक्त जो 3 गोल्स बनाए थे वो क्या काफी नहीं थे? उसके बाद वो हमेशा के लिए गायब हो गया। हीरो से जीरो। डॉन एल्डो ने कहा है कि वो सुपर स्ट्राइकर्स को हराएगा पार्लमेंटरी के पैंतरों से। वो क्या चीज़? अरे वो तो उनके हर मैच में अटैक करने का स्टाइल है। वो बड़े तेज और फुर्तीले हैं, बिल्कुल बिल्लियों जैसे, मतलब एकदम स्मूथ, जैसे मैं लड़कियों के साथ होता हूँ, समझ गए ना? लेकिन डॉन तो कहता है कि वो आज तक का सबसे महान फुटबॉल प्लेयर है। हम उसकी ये गलत फहमी दूर कर देंगे। ओके बॉयज, अपने पहले पाल्मा मुकाबले के लिए तैयार हो जाओ। नहीं नहीं मम्मी, मैंने वो केक नहीं खाया। क्या? अब एक फ्रेंडली एग्जीबिशन मैच होने वाला है, वो भी बीच पर। अरे वाह, वाह, देखो तो कितने लोग आए हैं। सुपर स्ट्राइकर्स को हम धूल चटा देंगे। तो तुम अपने आप को अगला एडविन समझते हो? तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। तुम मुझे उस लूजर से कंपेयर मत करो। उसने अपनी टीम और फैंस को निराश किया था। बातों से ज्यादा तुम खेल पर ध्यान दो, इसी में तुम सब की भलाई है। जाने दे दोस्त, हम इन्हें मैच में दिखाएंगे। आज के रोमांचक फ्रेंडली मैच के लिए तैयार हो जाइए दोस्तों। सुपर स्ट्राइकर्स और मशहूर पार्लमेंटरी का पहली बार आमना सामना। क्या स्ट्राइकर्स पाल्मा को रोक पाएंगे? दोनों में इतना फर्क होते हुए भी, तो अब देखते हैं क्या होता है। स्ट्राइकर्स ने अच्छी शुरुआत की है। जो के पास अच्छा बच्चो, अच्छा डॉच किया। स्ट्राइकर्स भूल गए हैं कि रेत में खेलने का तरीका अलग होता है। पाल्मा टीम काउंटर अटैक कर रही है। सुपर स्ट्राइकर्स होशियार हो जाओ। पाल्मा अपनी ओर से बॉल को हटने नहीं दे रहे हैं। एक बात तो कहनी पड़ेगी कि पाल्मा बहुत ही फुर्तीले, निडर और देखते हैं फाइटर क्या करता है। ओहो, इसे भी धूल चाटनी पड़ी। सुपर स्ट्राइकर्स को कुछ समझ नहीं आ रहा है। इन्हें बार बार धूल चाटनी पड़ रही है। पता नहीं असली फील्ड पर इनका क्या हाल होगा। टाइगर को कुछ करने का वक्त ही नहीं मिला। चलो कम से कम सुपर स्ट्राइकर्स ने कुछ तो करके दिखाया। लेकिन पाल्मास की टेक्निक्स के आगे इनकी एक भी नहीं चल रही है। गोली ने बॉल रोकी। रेत में डांस करना आसान नहीं है डांसिंग रास्ता। शेक बॉल को लेके आगे बढ़ रहा है। जरा इनकी शातिर चालों से बच के शेक। खेल अभी खत्म नहीं हुआ बॉयस। और एक गेम हारने की शर्मिंदगी हम इनके चेहरों पर साफ साफ देख सकते हैं। असली मुकाबले के लिए गुड लक शेख। इससे पहले मैंने ऐसा गेम कभी नहीं देखा है। असली गेम में हम इनका मुकाबला कैसे कर पाएंगे? गेम की तैयारी के लिए हमारे पास अब भी 3 दिन है। हम पाल्मास की टेक्निक्स को सीख कैसे पाएंगे, वो भी सिर्फ 3 दिनों में?
हम 3 दिन में उनकी सारी टेक्निक्स कैसे सीख पाएंगे? हम कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। मैंने रियो में एक बेहतरीन ट्रेनिंग की जगह का इंतजाम किया है, वहीं शुरू करेंगे। तब तक तुम जाकर मौज मस्ती करो। खड़े खड़े क्या सपना देख रहा है? समझ में नहीं आ रहा है कि हम पालमास के आगे टिक कैसे पाएंगे। तुमने देखा नहीं, उनके पास हमारी हर चाल का मुंह तोड़ जवाब था। अभी उस बारे में कुछ मत सोच, चल मजा करते हैं दोस्त। अरे हे रुको, तुम्हें मेरी मदद चाहिए। तुम्हारी मदद? और मुझे तुम्हारी। कैसी मदद? बस मेरे साथ चलो, तुम्हें सब पता चल जाएगा। हम जा कहाँ रहे हैं? बस पहुंच ही गए। हाय डैड, मैं आ गई। उसकी गलती ने पार्मेंटियरी को हरा दिया। पार्मेंटियरी को हरा दिया। पार्मेंटियरी को हरा दिया। हेलो बेटा। एडविन, मेरा नाम है लुइसा और ये है मेरे डैड एडविन। डैड, ये है शेख सुपर स्ट्राइकर्स से। इन्हें आपकी मदद चाहिए। कभी नहीं, नहीं कर पाऊंगा। फुटबॉल के दीवाने आपको मिस करते हैं, आप मानिए या ना मानिए। तुम अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो, तुम जा सकते हो। पर डैड, आप जिंदगी भर यहाँ बैठे बैठे इस केक को बार बार देकर अपना वक्त बर्बाद तो नहीं कर सकते। आई एम सॉरी। पार्लमेंटरी गेम को जीतने के लिए हमें आपका गाइडेंस चाहिए। मेरे 11 साथियों को आपकी मदद की जरूरत है। हम मेहनत करने के लिए तैयार हैं। बस आप हमें ये मैच जीतने में मदद कीजिए। रुक जाओ, मेरी 2 शर्तें हैं। आप मदद करेंगे? पहली, अपना तन और मन लगाना होगा। ठीक है, मंजूर है। और दूसरी शर्त क्या है? अगर तुम हारे तो किसी को ये पता ना चले सुपर स्ट्राइकर्स का कोच मैं था। जाकर अपनी टीम से कहो बैग पैक करे और अपनी जिंदगी की सबसे मुश्किल ट्रेनिंग के लिए तैयार हो जाएं। वाओ, जरा इस जगह को तो देखो, सब कुछ बिल्कुल नया है। हाँ, जगह नई है तो चीजें भी तो नई। गुड मॉर्निंग स्ट्राइकर्स, उम्मीद है तुम्हारी रात अच्छी बीती होगी। आपने हमारे लिए अच्छी जगह का इंतजाम किया कोच। वाकई अच्छी है ना? बहुत अच्छी है। मुझे खुशी है कि तुम्हें अच्छी लगी, पर हम यहाँ ट्रेनिंग नहीं करने वाले। लेकिन क्यों? तो कहाँ करेंगे कोच? अमेज़न के जंगलों में बॉयज। एडविन, ना जाने हम यहाँ क्या कर रहे हैं। यहाँ तो जिम भी नहीं है। पता नहीं हमें यहाँ क्यों लाए हैं। इस नए माहौल में कुछ भी नया सीख पाना नामुमकिन होगा। हमारी ट्रेनिंग के लिए इससे बेहतर और कोई जगह हो ही नहीं सकती। पालमा वाले अपने दिमाग और शरीर एक साथ इस्तेमाल करते हैं। मेरे जमाने में मशीनों पर ट्रेनिंग नहीं होती थी। यहाँ ट्रेनिंग करने से तुम्हारे वो हुनर निखरेंगे जिनका तुम्हें कभी एहसास भी नहीं था। हम वो हुनर सीखेंगे जिनसे पालमा को मात दे सके। ये वो जगह है जहां मेरी टीम अपने क्लब के 3 खास हुनर प्रैक्टिस करने आते थे, रफ्तार, स्फूर्ति और संतुलन। ओके बॉयज, एक लाइन बनाओ और ध्यान से सुनो। अरे बाप रे, फिर से उसी रेत में खेलना पड़ेगा? ये रेत नहीं है, ये दलदल है बच्चे। क्या कहा? तुम्हारी स्पीड सुधारने के लिए तुम्हें बॉल को एक ओर से दूसरी ओर ले जाना होगा। ये मजाक कर रहे हैं ना? शेख, पहले तुम जाओगे। मैं? सॉरी शेख, ये हमारे साथ मजाक नहीं कर रहे। ये तो आसान है।
ओवर कॉन्फिडेंस का यही नतीजा होता है। दूसरा हुनर है स्फूर्ति। ये नेचुरल ऑब्स्टिकल कोर्स जंगल और नदी पर सेट किया गया है। तुम्हें एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक सिर्फ राह में आने वाले पत्थर और बेलों का इस्तेमाल करके समझदारी से पार करना है। तुम सुनो फाइटर, अगली एक्सरसाइज तुम शुरू करोगे। मैं तुम्हें इस तैरते लकड़े पर बॉल को बैलेंस और कंट्रोल करना है। मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। देखो दोस्तों, बस अपनी आंखें बंद करो और ऐसा सोचो कि तुम जंगल में हो ही नहीं, सोचो कि तुम जन्नत की वादियों में हो, जहां कोई चीज तुम्हारे पैर के पास तैर ना रही हो। यही अमेज़न है जेंटलमैन, सबसे ताकतवर ही बच पाता है जिसके पास हो रफ्तार, स्फूर्ति और संतुलन। तुम सब ने बहुत अच्छा किया, मुझे तुम पर नाज है। ये ट्रेनिंग आसान नहीं है। ये सब किस लिए है? Keep the change। ये तो टडा, बताओ कैसा लग रहा हूँ? लेकिन आप ये सब क्यों कर रहे हैं? आपको भेस बदलने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि आज हम जीतने वाले हैं। पर तुम अब तक जीते नहीं हो, और वैसे भी लुइजा और मैं तुम सबके साथ स्टेडियम आ रहे हैं। सुपर लीग का एक और मैच आज तो स्टेडियम में फैंस का झलझला सा आ गया है एक अनोखे और तगड़े मैच का मजा लेने के लिए। चलो भी यार, सुपर स्ट्राइकर्स के जीतने का कोई चांस ही नहीं है। डोनाल्डो कितना क्यूट है ना? बिल्कुल नहीं, सबसे क्यूट तो शेक है। हाँ, मुझे तो यकीन था कि पाल्मा के डर से सुपर स्ट्राइकर्स घर लौट चुके होंगे। और तुम एडविन नहीं हो ये साबित करने का मौका खो दे? कभी नहीं। हाँ? वैसे तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? बस ये समझ लो कि हमारी पिछली मीटिंग से हमने काफी कुछ सीखा है। दुख सिर्फ इस बात का है कि आज तुम्हें चटाने के लिए यहाँ रेत नहीं है। तो तुम कौन सी टीम के साथ हो डैड? बेस्ट टीम के साथ। आज सबके मन में एक ही सवाल है, क्या सुपर स्ट्राइकर्स ने क्लब पाल्मेंटियरी को हराने का कोई तरीका सोच लिया है? लेट्स होप कि उनका यहाँ भी वही हाल ना हो जैसा बीच पर हुआ था। लेकिन मुझे तो लगता है वैसा ही कुछ होने वाला है। चलो देखते हैं। और मैच शुरू। और ये टाइगर का बढ़िया पास। हालांकि ये सुना गया था कि ये लोग सीक्रेटली ट्रेनिंग कर रहे थे, पर यहाँ तो सुपर स्ट्राइकर्स अपने पुराने तरीके से ही खेल रहे हैं। कूल। अब तक तो सब ठीक है। नॉट कूल। पर ना जाने हड़बड़ी वाला पास। बॉल तो शेक से ऐसे दूर भाग रही है जैसे कोई पुरानी दुश्मनी हो। पाल्मा ने काफी अच्छी तरह क्लियर किया। अब तक वो पाल्मा के कदम से कदम मिला पा रहे। आज शायद इनकी कोई पुरानी टेक्निक काम नहीं आने वाली। खतरे में
गोल रोको। ओके। बढ़िया फुटवर्क। और ये जोरदार किक। एडविन की ट्रेनिंग को याद करो, कम ऑन, गेम में पूरा ध्यान लगाओ। दोस्तों, हमें इतिहास के सबसे महान खिलाड़ियों में से एक ने ट्रेनिंग दी है। जंगल वाली टेक्निक्स याद है तुम्हें? उन्हें सुपर स्ट्राइकर्स के तरीके से आजमाओ, दिल से। सुपर स्ट्राइकर्स। देखते हैं कि कैप्टन की ये दूसरी कोशिश ज्यादा रन लाती है या नहीं। जो ने अपने खेल में अच्छा खासा बदलाव किया है। जैसे पालमन चेरी के प्लेयर्स फील्ड पर चिपक गए हो। दूसरी तरफ जो ने फैसला बदल दिया है। अब बॉल शेख के कंट्रोल में, मेन लेफ्ट में, बहुत ही बढ़िया गोल। ऐसा लगता है कि कोई और ही टीम वहां खेल रही हो। तुम्हें लगता है कि अगर हम हार गए तो वो अपनी गुमनाम जिंदगी में लौट जाएंगे? कौन कहता है हम हार जाएंगे? बॉयज, मुझे बहुत दुख होगा अगर मैं दोबारा तुमसे कभी ना मिल पाया, इसलिए मैं तुमसे अलविदा कहने चला आया। तुम लोग अच्छा खेलते हो और उन बेहतरीन खिलाड़ियों में से हो जिनके साथ मैंने काम किया है। तुम्हारे साथ बिताया हुआ वक्त मुझे हमेशा याद रहेगा। तुम्हारा शुक्रिया मुझ पर भरोसा करने के लिए। तुम चाहे जीतो या हारो, मुझे तुम पर नाज रहेगा। हमने हार मान ली। चलो दोस्तों, एडविन के लिए। एक, दो, तीन, एडविन। आज के तीन पॉइंट्स तो हमें ही मिलेंगे, ये बात याद रखो। मजाक मत करो, मैं दुनिया को दिखा दूंगा कि मैं एडविन से बेहतर क्यों हूँ। दोनों स्ट्राइकर्स के बीच में कुछ बहस हो रही है। काश कि मैं सुन पाता कि वो क्या बोल रहे हैं। अब तक तो पार्लमेंटियरी टीम ही लीड में है। सुपर स्ट्राइकर्स को साथ देनी पड़ेगी, वो हार नहीं मान रहे हैं। डोनाल्डो खेल खत्म करना चाहता है। लगता है जैसे स्ट्राइकर्स का जोश वापस आता जा रहा है। गोल किया जाए। अपना कमाल दिखाओ एल मैट्रिडो। हाँ, वक्त निकलता जा रहा है। वो कर देगा। क्या बात है। अब सवाल ये है कि क्या पाल्मा सुपर स्ट्राइकर्स के साथ ड्रॉ कायम रख पाते हैं या नहीं। हाँ, बाजी पलट चुकी है। जो आगे बढ़ रहा है और शेख बाजी पलटने की कोशिश कर रहा है। दल दल कुल जो के क्रॉस के लिए तैयार रहना होगा। ये आपके लिए है एडविन। ये जीत तेरे नाम दोस्त। तू ही एडविन को ढूंढ कर लाया और उन्हें हमारी टीम और खुद की मदद करने के लिए मनाया। वेलकम मेरे दोस्त। हे, क्या ये तो एडविन है। ये एडविन है, ये लौट आए। आप एडविन हैं? आप एडविन ही हैं। आपने देखा डैड, किसी को आपकी वो मिस पेनल्टी याद ही नहीं है। मैं अगली बार अपने तीन पॉइंट्स वापस लेकर रहूंगा। हे डॉनी, मैं किसी को जानता हूँ जो तुम्हारी मदद कर सकता है। तुम चाहो तब भी उन जैसे नहीं बन पाओगे दोस्त। अब मैं चलता हूँ क्योंकि मुझे अपनी जीत सेलिब्रेट करनी है एडविन के साथ। नाम तो सुना ही होगा। इसमें लिखा है कि सुपर स्ट्राइकर्स की मदद के लिए एडविन गुमनामी के अंधेरे से निकले। मेरे ख्याल से हमने भी उनकी मदद की। तूने अच्छा काम किया दोस्त, बहुत ही अच्छा।